गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है, विषय आ चुका है, विषय आ चुका है। महोदय एक बार बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। बस इतना ही बोलना था तेजस्वी का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा आकाश की ऊंचाई तक उछला, बिफर पड़े नीतीश। साफ ही बोल रहा है, बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए। आसान है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को, इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। बिहार विधानसभा में सियासत की सारी सभ्यताएं अनंत में विलीन हो गई। सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई बिल्कुल वैसे हो रही थी जैसे गली मोहल्ले में दो परिवारों के बीच होती। पूर्व में किए गए एहसान गिनाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, सदन में हंगामा बरपा था और उबल रहे थे नीतीश कुमार। अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है? हमने तो नहीं कहा था, ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात को जानने के आधार पर सुनिए, आप सुनिए, बैठ जाइए। अगर इसी तरह से आप चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? इतना हंगामा हुआ कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही तो स्थगित हो गई, मगर तेजस्वी यादव का क्रोध कम नहीं हुआ, न उनके आरोपों की धार कम हुई। बाहर निकले तो एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। आप बताइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या मुख्यमंत्री रहते हुए में क्या एसपी उनके खिलाफ काम करेगा? कोर्ट में तो वही मान्य होगा ना जो जांच एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी। आप मुख्यमंत्री हो, आप इस्तीफा दे देते फिर जांच कराते तब मानते? आपने तो उस समय इस्तीफा की पेशकश नहीं की। बिहार में नीतीश की सरकार बनने के साथ ही सियासी तकरार ज्यादा तीखी हो गई है। विधायकों को तोड़ने के आरोपों से घिरे लालू यादव के बाद अब तेजस्वी की नीतीश कुमार से सीधी जंग कहां तक जाएगी, देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार को इतने गुस्से में आज से पहले शायद ही किसी ने देखा हो जब वह सदन में तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। जाहिर सी बात है, महागठबंधन के पास जिस तरीके का संख्या बल है इस बार, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भी पक्ष और विपक्ष के बीच इसी तरीके की तीखी नोकझोंक होती रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।